तो देखिए अभी प्रीवियस क्लास में हम ये पूरा एनर्जी बैंड्स फॉर सिलिकन एनर्जी बैंड डायग्राम हम समझ चुके थे, जिसके अंदर 4n लोएस्ट मोस्ट बैंड जो फिल्ड था उसको हमने क्या नाम दिया, वैलेंस बैंड नाम दिया, है ना, ये वाला बैंड वैलेंस बैंड। और जो अपमोस्ट एम्प्टी बैंड था उसको क्या नाम दिया, कंडक्शन बैंड। अब हम इस बैंड डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉक्स डायग्राम के थ्रू। ये रहा बॉक्स डायग्राम, तो एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कंडक्शन बैंड को, एक रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस बैंड को। वैलेंस बैंड में है इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड में अभी नहीं थे अकॉर्डिंग टू जो अभी हमने पहले देखा था। जब भी वैलेंस बैंड से, ये वैलेंस बैंड हमने पूरा फील्ड माना हुआ है, तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करेगा तो वो जब यहां पहुंच चुका होगा तो अपने पीछे की सीट को छोड़ चुका होगा और यहां पर क्या जनरेट कर देगा, एक होल। इसी तरह से फिर इसके बाद सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देना है, इसमें भी 4n में भी जो सबसे ऊपर वाली स्टेट चल रही है वो उसका इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे हैं उनको निकालने के लिए मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। फिर यहां से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हटा और वो कहां चला गया, तो इसमें भी ये सबसे पहले कहां जाएगा, लोएस्ट एनर्जी के अंदर। फिर ये उससे ऊपर में, या फिर हो सकता है यहीं पे आ जाए, जितनी जगह हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये मैंने उसके, क्योंकि सेम चारों नंबर सेम नहीं होते प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के, है ना, तो उसके ऊपर पहुंचा दिया। यहां पे कितने होल जनरेट हो गए, टू होल्स, और टू इलेक्ट्रॉन किस में पहुंच गए, कंडक्शन में। ये कंडक्शन बैंड में पहुंचने के बाद दे आर फ्री टू मूव। अब इसकी कहानी समझते हैं, उससे पहले हम तीनों के डायग्राम्स देख लेते हैं, किस किस के, मेटल, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर का, उनका ये बॉक्स डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की, मेटल्स के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम। मेटल्स के अंदर जनरली जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है वो ऑलमोस्ट ओवरलैप होता है। आपको पता है कि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों होते हैं, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, मैनी ऑफ प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं। तो इन जनरल जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2s2 2p6 3s1 आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को देने की। तो ये ऑलरेडी कहां पर, बहुत मतलब फूंक भी मारोगे तो ये कंडक्ट करवा देगा, ऐसा सोचने का मतलब। तो इसका मतलब इनके जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही एक्चुअल में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी है। इसका मतलब यहां पर कोई एनर्जी का गैप की जरूरत है नहीं, यहां पर एनर्जी के गैप की हमें जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है। इस वजह से द कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स विद द वैलेंस बैंड, पता नहीं चलता कोई बाउंड्री। अगर मैं देखो यहां से बाउंड्री हटा दूं तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा वैलेंस है कौन सा कंडक्शन है, क्यों, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव हियर एंड देयर इन द सरफेस। तो अगर ये यहां था तो ये यहां पे भी जाकर के घूम रहा है मजे से, तो वैलेंस बैंड वाले कंडक्शन में आ सकते हैं, कंडक्शन वाले वैलेंस बैंड में आ सकते हैं, बिकॉज मैटर्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे प्रोवाइड द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, या दे आर द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। सो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर देमसेल्व्स कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से या तो ओवरलैपिंग हो जाती है, या अगर कहीं पे कुछ पर्टिकुलर मटीरियल्स ले लें तो उनके बीच में जो एनर्जी का गैप होगा वो बहुत बहुत कम नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई आपको, ये बन गया डायग्राम किसके लिए, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर मेटल्स। अगर मैं बात करूं, अगर ये डायग्राम समझ में आया है तो इंसुलेटर्स के लिए कैसा डायग्राम होना चाहिए,
इंसुलेटर्स वो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए ही नहीं जाते, बल्कि उनकी जनरल टेंडेंसी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आ जाए तो उनकी टेंडेंसी या तो इलेक्ट्रॉन लेने की है, लेकिन किसी भी कंडीशन में वो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करते। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करते तो बताओ कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? जीरो। जल्दी जल्दी हाँ ना बोलो भाई, कंडक्शन बैंड में इंसुलेटर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? जीरो। जीरो, ठीक है। तो ये बना दिया था मैंने कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड फॉर इंसुलेटर शुड बी एम्प्टी। जो वैलेंस बैंड है उसके अंदर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे? नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं थोड़ी देर के लिए क्लोरीन, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 70, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन लेने की है, देने की तो है ही नहीं, तो कंडक्शन बैंड में कभी भी कंडक्ट करने के लिए जाने ही नहीं देगा अपने इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब अगर इनके बीच का एनर्जी गैप पूछूं तो वो क्या होगा, ये कैसे प्रिवेंट करेगा अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में से रोकने के लिए? बाय प्रोवाइडिंग लार्ज फॉरबिडन गैप। क्या बना देगा? भाई मैं नहीं चाहता कि कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से, वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, कौन से इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दी 7 इलेक्ट्रॉन्स आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये कहां पे पाए जाएंगे? वैलेंस बैंड के अंदर। ये वैलेंस बैंड, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां पाए जा रहे हैं। क्लोरीन नहीं चाहता कि इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां जाए? कंडक्शन बैंड में। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि इनको उतनी एनर्जी कभी भी मिल ही नहीं पाए। तो इस वजह से जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? एनर्जी गैप इज वेरी वेरी लार्ज। और अगर इंसुलेटर्स कंडक्टर मेटल्स की बात कर लिया, कंडक्टर्स की बात कर लिए, तो सेमीकंडक्टर के बारे में क्या ख्याल है? सेमीकंडक्टर का क्या होना चाहिए? एनर्जी बैंड डायग्राम ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया इसका वैलेंस बैंड। इसका मतलब इससे कम एनर्जी बैंड गैप, इससे कम और मेटल से ज्यादा, ठीक है? तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, मॉडरेट है। जब एनर्जी की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होगी तो वैलेंस बैंड से अपने इलेक्ट्रॉन्स कहां सप्लाई कर देगा? कंडक्शन बैंड में। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन अभी मैंने यहां पे करके दिखा दी, वैलेंस बैंड से कहां पे ट्रांसफर कर देगा? कंडक्शन बैंड के अंदर। ये कैसे ट्रांसफर करेगा? रीजन वही है जो सेमीकंडक्टर हमने पढ़े थे अभी, सिलिकॉन। कैसे? थर्मल एक्साइटेशन। थोड़ी सी भी हीट दोगे तो क्या होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल करके अपना कोवलेंट बॉन्ड में से निकल जाएगा। वो कोवलेंट बॉन्ड, ये चल रहा है यहां पे कोवलेंट बॉन्ड, तो वो वापस से डायग्राम याद करो माइंड में, जो मैंने 4-5 हाथ पांव बनाए थे चारों तरफ कोवलेंट बॉन्ड वाला। अब यहाँ पे तो वो जो डायग्राम है वो ये वाला डायग्राम है, वैलेंस बैंड वाला, वो है सारे इलेक्ट्रॉन्स जो चारों तरफ से कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे। जैसे ही थर्मल एक्साइटेशन हुआ, हीट सप्लाई करी थोड़ी भी, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत कहां पहुंच गया? कंडक्शन बैंड के इसमें। तो क्या क्रिएट कर दिया इसने? देखो, एक होल और एक, जो कंडक्शन बैंड में होता है इसका मतलब वो फ्री है कहीं पे भी घूमने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब पहले चीज, ये तीनों डायग्राम क्लियर हो गए क्या? कितनों को अच्छे से क्लियर हो गए? तो अब देखो यहां पर, अब हम यहां पर सातों हाथ इसका कंडक्शन भी समझ लेते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर। अब होता क्या है बेसिकली, यहां पर एक होल क्रिएट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट, फिर कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटा, एक होल एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ठीक है? तो यहां से समझा रहा हूं अभी इसको, सेमीकंडक्टर को, यहां पर एक होल दो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट। अब क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे रीजन है एनर्जी लेवल, और हर एक में क्या फील्ड है? इलेक्ट्रॉन। दो तरह की अब मोशन होती है,
एक मोशन कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे कंडक्शन बैंड में तो ये क्रिएट कर रहे होंगे आईई, करंट जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स आईई। अब हम ये भी तो बोलते हैं कि करंट जनरेटेड ड्यू टू होल्स, हमने कैसे उसको समझाया था कि पास वाला कोवलेंट बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन जो होल क्रिएट होता था, ये एसआई के जो चार हाथ इसमें ये होल क्रिएट हो गया था, तो ये दूसरा एसआई के बगल वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर जाता था। तो ये देखो ये रहा वो बॉन्ड, ये रहा ये इलेक्ट्रॉन, ये रहा इसका होल। तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे वाला वैलेंस बैंड के वैलेंस बैंड में तो खुद तो मूव कर जाएगा, ये चला गया ऊपर, ये जैसे ही ऊपर गया ये अपने पीछे क्या छोड़ गया और ये वाला फिल हो गया, फिर इसको ऊपर दिख रहा है। तो ये क्या मैं बोल दूं क्या पहले दो होल्स ऊपर थे वो दो होल, अगर अगर किसी ने प्रोसेस नहीं देखा हो केवल शुरू में दो होल ऐसे देखे हो ऐसे, फिर कुछ देर बाद आए हो और उनको पता चला हो कि साहब ऐसा ऐसा कुछ हो गया, तो उनको क्या लगेगा ये दोनों होल यहां नीचे शिफ्ट हो गए, क्या होल की मोशन हो रही है? दिस इज द मोशन ऑफ होल। होल की मोशन कैसी कंसीडर की जाती है? पॉजिटिव चार्ज की, जैसे पॉजिटिव चार्ज की जैसे जो कर रहा है तो उसके थ्रू एक करंट जनरेट हुई जिसको क्या बोला आई एच। अच्छा क्या ये होल्स फ्री टू मूव है क्या इलेक्ट्रॉन्स की जैसे? फ्री नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ कहां पे मूव कर सकते हैं? बॉन्ड्स के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर, एकदम से उठ करके यहां नहीं आ सकते, जबकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे स्ट्रक्चर में घूम सकते हैं, इनसे करंट आसानी से जनरेट होती है, इनसे कम होती है। ये लेकिन होल की मोशन तभी हो पा रही है जब होल जनरेट हो रहे हैं। लेकिन इन नॉर्मल सिचुएशन जैसे मेटल्स की बात करें उसमें क्या ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? मेटल्स में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अगर मैं मेटल्स की बात करूं आपको तो क्या कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं या नहीं है? ऑलरेडी मौजूद, और वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। लेकिन ध्यान रखना है वैलेंस बॉन्ड में के इलेक्ट्रॉन्स नॉट फ्री टू मूव, वो बंधे हुए हैं बॉन्ड से, कंडक्शन बैंड वाले आजाद घूम रहे हैं, ठीक है। ये इधर उधर चले जाएंगे तो कौन सी करंट जनरेट करेंगे? आईई। ये यहां पे तो जनरेट ही नहीं कर रहे, यहां जनरेशन करंट केवल और केवल किसके लिए पॉसिबल है? होल। और वो होल कब जनरेट होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आ जाए तो यहां पर क्या जनरेट होगा? क्या मैं ये इन जनरल बोल सकता हूं क्या कि होल जनरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में जाना, मूव होना बहुत जरूरी है? तो क्या कभी भी आई एच ग्रेटर देन टू आई ई हो जाएगा क्या इन जनरल मेटल्स में? कभी भी नहीं हो सकता। यस सर, कभी भी नहीं हो सकता मेटल्स के इन जनरल। दूसरी चीज ये कहां पे मूव करेंगे होल्स? सिर्फ कहां मूव कर सकते हैं? वैलेंस बैंड में। वहां से जनरेटेड इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? कम होगी। कौन सी ज्यादा होगी? कंडक्शन आई, है ना आई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डोमिनेंट करंट एन टाइप के अंदर, अगर बात करते हैं एन टाइप को, अगर समझे ये सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लेकर के, तो सेमीकंडक्टर में एन टाइप में एक्स्ट्रा क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं? ये रहे कंडक्शन बैंड में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कहां पे होते हैं? वही तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो कहां पे है ऑलरेडी? अब मान लो एक बॉन्ड टूटा कोवलेंट बॉन्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ मेनी होल्स आर देयर? थ्री इलेक्ट्रॉन्स वन होल। अब जब जब टूटता जाएगा होल से ज्यादा क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। इसमें सेमीकंडक्टर एन टाइप में अगर मैं डिस्कशन करूं किसका, पी टाइप का। पी टाइप क्या होते हैं?
ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होते हैं उनमें? होल्स प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी. तो होल्स कौन से बैंड में पाए जाएंगे, कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड? वैलेंस. ओनली वैलेंस बैंड. ठीक है, मैंने यहां पे सिर्फ समझाने के लिए फोर इलेक्ट्रॉन्स और दो होल्स डायरेक्टली बनाकर रख रखे. अगर होल्स पहले ही मिल रहे हैं तो बताओ कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का शुरू में पाया जाना पॉसिबल होगा कि नहीं? यस और नो, जल्दी जल्दी, हाँ या ना? अरे बोलो ना. नो सर. नो सर. क्यों? क्योंकि होल्स बने ही इसी वजह से कि कोवलेंट बॉन्ड में कमी रह गई थी. क्या हो गई थी? कमी रह गई थी. कौन से वैलेंट मिलाने के कारण? ट्राइवैलेंट मिलाने के कारण. एक कोवलेंट बॉन्ड बना ही नहीं पाया था, वही तो कमी चल रही. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता भी सही तो वो पहले इसको फिल करता. इसका मतलब अभी कंडक्शन बैंड इनिशियली क्या चल रहा है? एम्प्टी. अब थर्मल एक्साइटेशन के थ्रू ये एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच गया? फ्री होकर के कंडक्शन बैंड में. तो इसने पीछे क्या जनरेट कर दिया है? होल. कंडक्शन बैंड के अंदर क्या चीज हो गई? होल जनरेट हो गए. अभी ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, क्या ये इलेक्ट्रॉन की मोशन वैलेंस बैंड में हो गई क्या? ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर गया तो इसको फिल कर दिया और पीछे होल छोड़ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर गया पीछे होल छोड़ गया, क्या होल की भी मोशन हो गई क्या? इसका मतलब मैं बोल दूं कि वैलेंस बैंड के अंदर आई ई एंड आई एच दोनों मोशन हो रही है. लेकिन जब मैं बात करूंगा कंडक्शन बैंड की तो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन बैंड में कौन सी करंट पाई जाएगी? IE. इस टाइम पर विच करंट विल बी डोमिनेटिंग करंट? IH. IH. होल्स शुरू से ही ज्यादा चल रहे हैं, इसमें कंडक्शन बैंड में शुरू में कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं. ये होती है इसकी मोशन. कितनों को समझ में आ गई भाई यहां तक प्रॉपरली सारी चीजें?